वैक्सीनेशन की ड्राई रन चालू होने वाला है और केंद्र सरकार ने 2 तारीख निहित किया है। सभी राज्यों में ये हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने एक जिले में एक शहर को चिन्हांकित किया है, रायपुर को। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग पहले से इसके लिए तैयारी कर रहा था। केंद्र सरकार की पहल जानकारी मिलने पे हमने उसको रोका है और ड्राई रन में केंद्र सरकार से जो रायपुर के लिए बात आई है उसके साथ में 6 और जगह हम लोग करने जा रहे हैं, सभी संभाग मुख्यालयों में और साथ में गौरेला पेंड्रा और राजनांदगांव। तो ये 7 जगह ड्राई रन चलेगा। मुख्य उद्देश्य इसका जो कोविन ऐप है, ये ऐप सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं ये देखना है, क्योंकि स्वाभाविक है कि अभी वैक्सीन तो आई नहीं है, लेकिन जो हमारी मशीनरी है वो जगह पे है कि नहीं, जो कोविन ऐप है ये ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इस बाबत 25 नाम चिन्हांकित हुए हैं। इन नामों को वहां उपस्थित करा के ये देखना है कि कोविन ऐप पे ये नाम रजिस्टर होते हैं कि नहीं। बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वहां पर जो सेंटर रहेगा, फैसिलिटी जो रहेगी वैक्सीनेशन की, वहां 3 कमरे चिन्हांकित किए गए हैं अलग अलग। एक में रुकेंगे आके, एक में वैक्सीन लगेगी और तीसरे कमरे में वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक इंतजार करेंगे कोई रिएक्शन है कि नहीं उसको देख के, फिर मरीज या जो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे लोग वो आगे जाएंगे। 2,44,000 ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ विभाग का चिन्हांकित करके हमने नाम भेज दिए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग, सफाई विभाग और राजस्व विभाग के भी नाम मांगे गए हैं। तो ये नाम जब आ जाएंगे, इसके बाद वैक्सीन आने के बाद वास्तविक तौर पे वैक्सीनेशन का काम चालू हो जाएगा। अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि एक दिन 100 वैक्सीनेशन एक सेंटर में हो सके, एक फैसिलिटी में हो सके। ये तैयारी कल ड्राई रन के माध्यम से हम लोग टेस्ट करेंगे। इसमें WHO के भी प्रतिनिधि, UNDP के भी प्रतिनिधि, वैक्सीनेशन के हमारे प्रमुख हैं अमर सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह जी वो भी जाएंगे, प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका जो हमारा वैक्सीनेशन को विभाग की तरफ से हेड कर रही हैं वो भी जाके मौके का मुआयना करेगी। तो ये टीम देखेगी कि काम कैसे चल रहा है।